कहना क्या है आपका वीकेंड प्लान, क्या हो रहा है गहना की कहानी में, क्या पता लगा पाई है ये अनंत की सच्चाई या फिर कहानी में आ गया है कोई और नया ड्रामा। इस कहानी में भी जैसे ही हमें लगता है कि सब कुछ हो रहा है ठीक, वैसे ही आ जाता है नया ट्विस्ट। आइए मिलकर आते हैं गहना से, ले चलते हैं आपको साथ निभाना साथिया के सेट पर। कबीर के प्यार में काम्या हुई गिरफ्तार, मकसद भूल कबीर से हुआ काम्या को प्यार। जी हां, अनंत की मौत का राज पता करने के लिए कसम खा चुकी गहना उर्फ काम्या अब कबीर के प्यार में धीरे धीरे गिरफ्तार होती जा रही हैं। और कबीर भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जो मौका उन्हें काम्या के करीब लेकर आता हो। इसीलिए तो आज पंजाबी फैमिली से दोनों को मिला है फ्री टाइम और निकल पड़े हैं काम्या और कबीर एक स्पेशल डिनर के लिए एक ढाबे पर। लेकिन यहाँ कबीर बाबू का फ्लर्ट चालू है, वो बातों बातों में ही काम्या से कितना प्यार करते हैं ये जता भी रहे हैं और काम्या को पटा भी रहे हैं। एक्चुअली हम रास्ते में आ रहे थे, वो सरदार फैमिली के घर से हम निकले फाइनली वैलेंटाइन वगैरह सब सेलिब्रेट तामझाम करके, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में टायर पंचर हो गया हमारी गाड़ी का। तो ये ढाबा है जहाँ पे कुछ खाने के लेके आए थे, लेकिन वहाँ भी रोमांस करने लग गया कभी, और अभी यहाँ पे कोई मिलेगा उसे जो उसकी पास से कुछ बताएगा उसे, तो बस अभी यही ड्रामा है। लेकिन भाई गुड न्यूज ये है कि अब काम्या को भी धीरे धीरे कबीर की कंपनी पसंद आने लगी है, उनकी शरारत अब काम्या के दिल को भाने लगी है। लेकिन बीच बीच में उन्हें अनंत का फ्लैशबैक भी आता है और वो खुद को समझाने की कोशिश में जुट जाती है कि वो यहाँ किसी खास मकसद से आई है, ना कि कबीर के साथ रोमांस करने। वो तो डे वन से है कि ये मुझसे फ्लर्ट करते हैं और मैं कहती हूँ कि चलो अब बहुत हो गया। तो एक्चुअली मेरा एक अलग ही मुद्दा है, मुझे घर पहुंचना है, मुझे चीज़ें जाननी है, बहुत सारे सवाल है दिमाग में। ऑन द वे भी मैं कबीर से बस यही सवाल कर रही थी कि क्या है ये, क्यों है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पर अब यहाँ हम आए हैं, मुझे बहुत इरिटेट फील हो रहा है कि कहाँ फंस गए, जल्द से जल्द घर पहुँचना है, और ऊपर से इन भाई साहब को रोमांस सूझ रहा है, रोमांस कर रहे हैं मतलब। फिर कोई तो आता है जो सूर्य कह रहा है, और उस नाम के साथ कुछ कनेक्शन तो है क्योंकि पहले भी मैंने सुना है वो नाम। तो बस यही है कि अब आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लोगों, ये सूर्य और सेठ फैमिली, क्या कनेक्शन क्या है अनंत जी के साथ इन लोगों का। लो भाई, ये तो कन्फ्यूजन का और भी ज्यादा बढ़ना हो गया। अभी तक तो अनंत के कातिल के गिरेबान तक काम्या के हाथ तक नहीं पहुँचे हैं, और ऊपर से कबीर की एक और नई मिस्ट्री उनके सामने खड़ी है। देखते हैं कि ये डबल टेंशन से अब कहना उर्फ काम्या कैसे रूबरू होती हैं। फिलहाल कहानी के ट्विस्ट को छोड़कर कबीर और काम्या से जानते हैं कि उन्हें ऑफ स्क्रीन एक दूसरे की कंपनी कितनी भाती है। हाँ मतलब ये मुझे हर दूसरी तीसरी चीज में मौका दे देती है जो मैं पकड़ लेता हूँ, और फिर मैं थोड़ी टांग खींच लेता हूँ इनकी, बट ठीक है, बुरा भी मानती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाती है, यूज्ड टू हो गई है अभी तो। बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट, मतलब कुछ ऐसा, इतनी धूप में शूट कर रहे हैं यार, कुछ फन तो चाहिए होता ना इंसान को, कुछ ऐसा मोटिवेशन एनर्जी, अब कुछ है तो है नहीं दूर दूर तक, तो यही है एक छोटी सी हमारे साथ, तो इन्हीं के साथ थोड़ा फन कर लेते हैं। बट या ओवरऑल या वी जस्ट ऑलवेज हैव फन एंड ऑलवेज एंजॉय वर्किंग। भाई जब ऑफ स्क्रीन दोस्ती अच्छी होती है तभी तो वो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी सामने निखर कर आती है, तो इसी तरह बनाए रही एक दूसरे से प्यार, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।